हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि डिल्यूज वल्व के बारे में बता रहा हूँ। सारा डिटेल उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। डिल्यूज वल्व क्या होता है, डिल्यूज वल्व कैसे काम करता है, डिल्यूज वल्व वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, डिल्यूज वल्व क्यों लगाना चाहिए, डिल्यूज वल्व क्यों लगाया जाता है, इस सारे मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों, पहले डिल्यूज वल्व का जो डिटेल्स होता है, यानी जो इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, छोटे छोटे फिटिंग्स वगैरह लगे होते हैं, तो पहले उसका हम देखेंगे कि उसका पहले बताएंगे कि ये क्या क्या होता है। आइए दोस्तों, सबसे पहले ये जो लाइन आई है, ये एरो मार्क करके है, जो ये जो लाइन आई है पंप रूम से आया हुआ है, डायरेक्ट पंप रूम से पंप से आया हुआ है, और यहाँ से होते हुए ये इस डिल्यूज वल्व तक आ गया है, इस डिल्यूज वल्व तक आया है, और डिल्यूज वल्व से होते हुए ये जो ये वाली एरो लाइन है, ये इधर से होते हुए ये लाइन होते हुए कर्टेन तक चला गया है, कर्टेन नोजल तक चला गया है नोजल। दोस्तों ये डिल्यूज वल्व जो है, ये एचडी फायर का डिल्यूज वल्व है, ये डिल्यूज वल्व एचडी फायर का है, ये डिल्यूज वल्व ये रेटिंग है, या ये 80 mm का ये डिल्यूज वल्व है। यहाँ जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, 80 mm का डिल्यूज वल्व है ये, और ये 175 PSI, यानी ये लगभग 13 kg फोर्स पर स्क्वायर मीटर का, ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर का ये डिल्यूज वाल्व है, रेटिंग है इसका इतना। अब डिल्यूज वाल्व में ये लाइन जो है, ये लाइन पंप रूम से आया हुआ है, यहाँ से होते हुए ये इन लाइन हो गया, ये इन लाइन होते हुए यहाँ देखेंगे आप, एक मार्क दिया हुआ है, ये मार्क दिया हुआ है यहाँ, ये यानी इधर से ये आया है, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये मार्क है ना, ये आया हुआ है लाइन से, पानी ऐसे आया हुआ है, इस तरह से आया हुआ है, और ये मार्क होता हुआ, ये मार्क, ये जो ये मार्क का ध्यान रखते हुए हम इसको इंस्टॉल करेंगे। और दूसरा ये जो दिया हुआ है, ये जो है ये ड्रेन यहाँ से ड्रेन का दिया हुआ है, ऐसे यहाँ से जो इन वाला जो आएगा ना, जिससे हमको कुछ लाइन खाली करनी है, तो यहीं से हम इसको ड्रेन कर लेंगे, यानी पंप रूम का। एक्चुअली ये NRV है, इसमें जो डिल्यूज वल्व है इसमें दो पार्ट है, मेन NRV है इसमें, एक ये इधर NRV, पूरा ये पूरा NRV अंदर फिट है, और इसका ये प्रेशर गेज है, ये प्रेशर गेज अभी इसमें लगभग 1 kg पानी है इसमें। ये पंप रूम का हमारा ये जो लाइन है, पंप रूम का ये जो लाइन है, ये पंप रूम तक हमारा इतना केजी प्रेशर है, और ये जो यहाँ दिख रहा है, यहाँ से इधर ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट मतलब ये पूरा स्प्रिंकलर लाइंस का ये पूरा है, यानी ये जो 25 डाया का जो पाइप है, ये पाइप पूरा स्प्रिंकलर लाइंस का है, यानी जो स्प्रिंकलर्स हमारे जो लगे हुए हैं उससे ये कनेक्ट किया हुआ है। तो यानी स्प्रिंकलर का अगर प्रेशर ड्रॉप हुआ, अगर कोई स्प्रिंकलर फूटा और प्रेशर अगर ड्रॉप हुआ, तो यहाँ का प्रेशर गिर जाएगा, यानी स्प्रिंकलर लाइन का ये प्रेशर, यानी अभी हमारा जो स्प्रिंकलर लाइन है इसमें प्रेशर लगभग 13 या 14 kg है, इसमें ये दिखा रहा है, यानी ये स्प्रिंकलर का प्रेशर दिखा रहा है, स्प्रिंकलर लाइन का प्रेशर दिखा रहा है, और ये जो दिखा रहा है ये, यानी इस लाइन में जो पंप रूम से जो आया हुआ लाइन है उस लाइन का प्रेशर है, यहाँ से इधर, यहाँ से जो इधर है ये अलग अलग है, यहाँ से इधर पंप रूम, यहाँ से इधर स्प्रिंकलर का दिखाएगा, और यहाँ से इधर नीचे ये पूरा पंप रूम का दिखाएगा, ये पूरा पंप रूम का दिखाएगा, पानी का प्रेशर पंप रूम का दिखाएगा, और ये स्प्रिंकलर का दिखाएगा, तो इसलिए ये अलग अलग प्रेशर होता है। और दूसरा ये जो है ये गोंग बेल है, जब ये पानी, जब ये लाइन वाटर कर्टेन ऑन होता है, वाटर कर्टेन नोजल्स जब ऑन होता है, तो ये गोंग बेल अपना एक अलग आवाज़ करता है, वो मतलब वो इंडिकेशन है कि ये पानी इससे फ्लो हो रहा है, तो ये गोंग बेल है, ये अपना टन टन करके कोई आवाज़ आती है इससे, वो आवाज़ आता है। और दूसरा दोस्तों, ये अलग है, ये जो अलग अलग फिटिंग्स लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं कुछ इधर पीछे भी लगा हुआ है, इस तरह से लगा हुआ है, तो ये अलग लाइन को ड्रेन करने के लिए, यानी तो मैन्युअली चलाने के लिए भी, हो सकता हो कि ऑटोमेटिक हम ना चलाएं, मैन्युअली चलाएं,
मैन्युअली चलाने के लिए भी होता है ये। तो ये सारे ये फिटिंग्स 20 mm के जो पाइप्स में ये सारे फिटिंग्स लगे हुए हैं, ये मैन्युअली चलाने के लिए लगे हुए हैं। मैन्युअली क्या है कि जब इन केस ऑफ फायर, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स इन केस ऑफ फायर होगा, कहीं फायर आएगा तो ये मैन्युअली हम फायर, अगर आग लगेगी कहीं तो हम इसको वाटर कर्टन ऑन करना चाहते हैं तो ये मैन्युअली यहाँ से हम इसको मैन्युअली इसको खोल देंगे, इसको खोल देंगे। मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा आपको, इस तरह से ये हो जाता है। और दोस्तों दूसरा ये है, ये भी ड्रेन लाइन ड्रेन करने के लिए, यानी स्प्रिंकलर्स लाइन में जो पानी है वो ड्रेन करने के लिए होते हैं। और ये वाला जो ड्रेन है, ये वाला जो ड्रेन है, ये ड्रेन हो गया और ये ड्रेन हो गया, ये ड्रेन नहीं, ये वाला ड्रेन, ये ड्रेन, ये कर्टन लाइन का ड्रेन करने के लिए होता है। ये ड्रेन है, ये पंप रूम से आता है ये ड्रेन, ये वहाँ का पंप रूम का पानी का ड्रेन करने के लिए है ये। तो ये इस तरह से है, ये भी बकेट है छोटा सा, ये बकेट है, ये भी पंप रूम का, इसमें ड्रॉपिंग होता रहता है तो ये पंप रूम का ड्रेन करने के लिए है। दूसरा आप देखेंगे अलार्म से, ये जो सोलेनोइड वाल्व है, ये सोलेनोइड वाल्व अलार्म से जो फायर अलार्म जो होता है उससे ऑपरेट कर सकते हैं हम ऑटोमेटिक सिस्टम करने के लिए। ऑटोमेटिक सिस्टम करेंगे तो उससे हम ये इसको ऑन करेंगे, यानी कोई फॉलो स्विच में अगर फायर आ गया तो ये एक्टिवेट होगा, ये एक्टिवेट होगा, ये अलार्म सिस्टम से इसको इंटीग्रेट किया गया है। अगर हम मैनुअल करेंगे तो हमको ये वाला से ऑन करना होगा इसको, दोनों ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो ये था इसका। और ये जो लाइन है, ये बॉल लगा हुआ है, इसको बंद भी कर सकते हैं, इसको बंद करेंगे तो ये अब ये काम तो करेगा लेकिन ऑटोमेटिक नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिक नहीं हुआ। इसको ऑटोमेटिक करने के लिए, ऑटोमेशन में रखने के लिए इसको ऑलरेडी ये ओपन रहना चाहिए। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, आगे मैं वीडियो में बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस एडिलिज वाल्व से रिलेटेड, और वाटर कर्टन का डेमो करके भी दिखाऊंगा आपको ये वाइस टेनर कैसे ऑन होता है। ये वाइस टेनर है, इसमें यहाँ से इधर इसमें गोंग बेल में पानी आता है, ये इस तरह से कुछ आवाज़ आता है इसमें, जब ये चलेगा तो इस तरह से आवाज़ आएगा। तो ये वाइस टेनर है, और इसमें देखेंगे आप यहाँ से भी एक कनेक्ट किया गया है, इसको अलग से बाईपास करके, यानी वाइस टेनर को बाईपास करके किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जब पानी इधर से नहीं आएगा, यानी जब वाइस टेनर अगर बंद रहेगा तो ये एक वाइस टेनर को बाईपास करने के लिए एक यहाँ से अलग से दिया हुआ है ये पाइप, ताकि इधर से पानी आए इस पर। वाइस टेनर ये बहुत छोटा है, हो सकता हो कि इसका फिल्टर जाम हो जाए, छोटा होने की वजह से इसका कचरा वगैरह बहुत जाम हो सकता है, तो इसलिए इसको ये अलग से बाईपास करके दिया हुआ है ये पाइप, और इसमें ये पानी आने का। और इसका यहाँ ड्रेन है, यहाँ पर ये ड्रेन है, अभी आपको दिख रहा होगा अपन, ये ड्रेन है, ये ड्रेन है, ये यहीं से पानी गिरता रहेगा, इसमें आवाज़ भी होगी और पानी भी यहाँ से गिरता रहेगा, पानी आकर के टकराएगा, वो कुछ इस तरह से गिरता रहेगा इसमें। दोस्तों ये एक ड्रेन ये है और एक ड्रेन ये है, ये एक ड्रेन है और ये एक ड्रेन है। तो ये दोनों देख करके आप कंफ्यूज मत होएं, ये पंप रूम से जो पानी आ रहा है हमारा, ये उसका ड्रेन करेगा, क्योंकि एक लेवल थोड़ा अलग है, और ये जो पंप आने के बाद जो NRB में, जहाँ NRB है, NRB में जो गया, NRB से ऊपर जो गया, वो वाला पानी ड्रेन करेगा, ये पंप रूम वाला पानी ड्रेन करेगा, पंप रूम से जो आया है, इस लाइन में जो पानी है वो पंप रूम तक का ड्रेन करेगा, और यहाँ NRB है, NRB के बाद ऊपर का पानी, ये वाला लाइन, ये जो है छोटा सा, ये ड्रेन करेगा। दोस्तों डिलीज वाल्व क्यों लगाते हैं, डिलीज वाल्व का काम क्या है। डिलीज वाल्व उस जगह पे लगाया जाता है, यानी डिलीज वाल्व का काम यह है कि ये कम समय में बहुत सारे पानी को डिस्चार्ज करता है, कम समय में, बहुत ही कम समय में, जैसे किसी किसी जगह में बहुत कम समय में बहुत जल्दी फायर हो जाता है, तो वहाँ पे बहुत कम समय में वहाँ बहुत सारा पानी पहुँचाना होता है, तो उस जगह पे स्प्रिंकलर्स लाइन नहीं लगाते हैं हम, वहाँ पे नोज़ल लगाते हैं। तो नोज़ल में पानी देने के लिए डिलीज वाल्व ही लगाया जाता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि ये कम समय में बहुत सारा वाटर डिस्चार्ज करेगा और उस स्पेसिफिक एरिया में वो अपना सप्लाई करेगा पूरा पानी, तो कम समय में बहुत सारा पानी ये एक साथ फेंकेगा,
पानी एक साथ डिस्चार्ज करेगा, तो इसलिए इसको ये कर्टेन लाइन में इस्तेमाल करते हैं, इसको नोजल्स में इस्तेमाल करते हैं। ये कहाँ लगता है? ये अक्सर किसी कर्टेन बनाने में, जैसे पानी का वाल बनाने में लगता है, यानी नोजल्स में। दूसरा इसको पावर एंड केमिकल प्लांट्स में, और दूसरा एयरक्राफ्ट हैंगर में भी यूज़ किया जाता है इसको। दोस्तों सिस्टम को, ये जो कर्टन सिस्टम है इसको ऑटोमेटिक रखने के लिए, एक तो जो वाटर कर्टन का पंप है उसको ऑटो में रखना पड़ेगा, और दूसरा ये जो वॉल्व है, ये बटरफ्लाई वॉल्व, इसको एनी टाइम ओपन रखना है। ये इस तरह से, ये जो पाइप है, ये पाइप और इसका लीवर जो पैरेलल में रहेगा दोनों, तो ये ओपन रहेगा। ये इस तरह से इसको ओपन में रखना है, और दूसरा स्प्रिंकलर लाइन को भी ओपन रखना है। ये जो स्प्रिंकलर लाइन का जो हमारा जो फीडर है, स्प्रिंकलर लाइन से जो आया हुआ, ये हेडर से कनेक्ट किया हुआ है, तो इसको हम बंद नहीं रखेंगे। इसको इस तरह से ये बंद होता है, तो हम बंद नहीं रखेंगे, इसको ओपन रखेंगे, तभी मेरा सिस्टम ऑटोमेटिक में रहेगा। तभी कहीं फायर आएगा, अगर 7-8 या 3-4 स्प्रिंकलर अगर ब्लास्ट किया तो इसका प्रेशर गिरेगा। प्रेशर गिरते ही ये हमारा यहाँ का जो NRB है, NRB ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ, यानी इस गेज का और इस गेज का प्रेशर डिफरेंस आएगा, तो ये NRB अपने आप ऊपर पुल हो जाएगा। ऊपर पुल होने के बाद ये पूरा वाटर कर्टन से पानी, ये जो लाइन है, जो एरो दिया हुआ है, इससे पूरा ये लाइन से होता हुआ वाटर कर्टन में चले जाएगा पानी। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम, ये इसका इस तरह से काम करता है। दूसरा अलार्म से भी कर सकते हैं, अलार्म से बहुत ही कम टाइम पे ही वो फ्लो स्विच एक्टिवेट हो जाएगा। कहीं स्प्रिंकलर ब्लास्ट किया तो फ्लो स्विच एक्टिवेट हो जाएगा, और फ्लो स्विच एक्टिवेट होते ही अलार्म पैनल को सिग्नल मिल जाएगा। अलार्म पैनल फिर तुरंत ये जो सोलेनॉइड वॉल्व है, ये सोलेनॉइड वॉल्व जिसका वायर दिया हुआ है, वायर जो ये वायर दिख रहा है, ये सोलेनॉइड वॉल्व का, इसमें अलार्म पैनल से आया हुआ वायर है ये, तो ये इसको सिग्नल देने के लिए ये उसको ऑन कर देगा। इसको ये ओपन कर देगा तो यहाँ से पानी भी ड्रेन होना शुरू हो जाएगा, और पानी जो ड्रेन होगा तो इस लाइन का पानी चूहे आते यहाँ ड्रेन होगा, तो यानी प्रेशर गिरेगा, प्रेशर कम होते जाएगा, और ये अचानक ये एक टाइम ऐसा आएगा कि ये अपना ऑन कर देगा उसको ऑटोमेटिक में। दोस्तों मैं एक एनिमेशन वीडियो से बता रहा हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। दोस्तों सोलेनॉइड वॉल्व में सिग्नल आते ही सोलेनॉइड वॉल्व ओपन हो जाता है, और वहाँ से पानी ड्रेन होना शुरू हो जाता है। दोस्तों ऊपर का प्रेशर कम, नीचे का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से पानी का प्रेशर जो डायफ्राम है उसको पुश कर देता है और लाइन को ओपन कर देता है। और दोस्तों अब कर्टन लाइन का मैन्युअली डेमो कर रहा हूँ। स्विच वाल्व ओपन होते ही सारे कर्टन में, सारे नोजल्स में पानी आना शुरू हो गया है, बहुत तेज़ी से पानी आना शुरू हो गया है। दोस्तों ये इस तरह से पानी का कर्टेन बनाएगा, यानी पानी की दीवार बनाएगा इस तरह से। अब मोटर को ऑफ कर दिया गया है और पानी भी बंद होना शुरू हो गया है।